नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे टारगेट विथ हालो का ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं सुपर टेट के दूसरे प्रमोशन वीडियो में। और उम्मीद करता हूं कि आपको आपने पहला दोनों वीडियो देखा होगा जिसमें पलासी और बक्सर का युद्ध पढ़ाया गया था, उसके बाद कांग्रेस को हमने ट्रिक से समझाया था, ठीक है। तो एक्चुअली सुपर टेट में जो इतिहास के दो तीन सवाल आते हैं तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने रहते हैं, तो हम ये नहीं सोच रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा दे दें, ठीक है। संक्षिप्त रूप में जो आपको एक दृष्टि एक नजर में जो ज्ञान मिलेगा वहीं से आपके प्रश्न आएंगे, और आप भरोसा तो करिए एक बार, ठीक है। देखिए, मानता हूं कि अब आप कहेंगे सर आप पेपर बनाते हैं तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड कि हम थोड़ी थोड़ी चीजों को फंसा सकते हैं। तो जैसा कि हो सकता है कि गांधी से जुड़े हुए प्रश्न आ जाए, तो भारत की स्वतंत्रता में गांधी युग वाला जो पार्ट है वहां से गांधी युद्ध को हम एक नजर में आज संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे, ठीक, जितना हम पढ़ सकते हैं। और वहां से ही आप देखिएगा कि एक आध सवाल पक्का आ जाएंगे, 100% एक सवाल वहां से रहेगा। और गांधी की जो शुरुआत होती है वो उनके जन्म से होती है और जो उनकी मृत्यु होगी वो 30 जनवरी 1948 से खत्म हो जाती है। लेकिन गांधी के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक भारत में कई सारी घटनाएं हुई जो भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति दिलाती, और स्वतंत्रता प्राप्ति की वजह से ही आज हम स्वतंत्र हैं, आज हमारा संविधान है, आज सारे हमारे नियम कानून है, और हमारा जो मन होता है हम वो करते हैं, जो मन होता है वो लिखते हैं, जो मन होता है वैसे ही जीते हैं। और दोस्तों तैयारियों पर एकदम लग जाइए जोर शोर से, ठीक है, क्योंकि अब वैकेंसीज की बाहर आने वाली हैं। आज का पेपर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आप देखे होंगे कि उसमें लेखपाल की वैकेंसीज आ गई हैं। अब सारी चीजें क्या हैं, धीरे धीरे जुलाई तक कई सारी वैकेंसीज आएंगी और आपको सारी वैकेंसीज की तैयारी करनी है, और सुपर टेट की भी बहुत जल्दी आ रही है, सी टेट की भी आ रही है, तो तमाम चीजें क्या हैं, आप पढ़ाई में जुट जाइए, नौकरी पाने का ये अच्छा मौका है, क्योंकि 22 में चुनाव है और चुनाव के पहले उनको कई सारी वैकेंसीज क्लियर करवानी रहेंगी, क्योंकि वो चुनावी मुद्दे बनेंगे कि हमने इतने लोगों को नौकरी दी जिसके लिए उनकी मजबूरी है वैकेंसीज को फुलफिल करना और क्लियर करना। तो गांधी युग की हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास में, और आज की क्लास को ध्यान से पढ़िएगा और लिखते जाइएगा। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, एक अध्यापक बनने जा रहे हैं, और एक अध्यापक का काम होता है कि जो वो चीजें पढ़ाए उसके विद्यार्थी लिखें। मैं तो खैर अध्यापक नहीं, आपका दोस्त हूं, और मेरा ये मानना है कि जो भी हम आपको वीडियो देते हैं उन चीजों को आप लिखने का प्रयास करिए। आप लिखेंगे तो आपकी चीजें कंप्लीट होंगी और आप सारी चीजों को अच्छे से एक नजर मार सकते हैं। तो पहले थोड़ी गांधी के बारे में उनकी जीवनी जान लेते हैं, उसके बाद उनके दौरान जो जो घटनाएं हुई है, जैसे प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, गांधी ने पहला सत्याग्रह कहां किया, नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन कहां किया, अफ्रीका में कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया, भारत में सबसे पहले सत्याग्रह कहां किया, भूख हड़ताल कहां किया, ठीक है, उसके साथ साथ क्या कहते हैं, कब इन्होंने अपनी उपाधियों का अंत किया, कौन कौन से आंदोलन चलाए, किस किस आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया, वो तमाम चीजें आज एक नजर में एक दृष्टि में हम सारी चीजों को आज गांधी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, गांधी। क्लियर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गांधी का जन्म 1869 को, गांधी का जन्म 1869 को गुजरात के काठियावाड़ा जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। कहां पर? गुजरात के काठियावाड़ा जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? अब आप कहेंगे मोहनदास करमचंद गांधी, नहीं, गलत, मोहनदास करमचंद गांधी तो इनका खुद का नाम था गांधी का, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। और इनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। उसके साथ साथ इनकी जो पत्नी का नाम था वो कस्तूरबा गांधी था, जिनको हम बा के नाम से जानते हैं, क्योंकि गुजरात में जो बड़ी मां होती हैं उनको बा कहा जाता है। इनके चार पुत्र थे, ठीक है, मणिलाल थे, हरिलाल थे, रामदास थे, देवदास थे, और उसके साथ साथ जमनलाल बजाज को,
इनका पांचवें पुत्र की संज्ञा दी गई है। तो हमने क्या कहा कि इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी, जिनको किसकी उपाधि मिली थी? बा की उपाधि। और जमनलाल बजाज को गांधी का पांचवा पुत्र कहा गया है। इनके पुत्र जो मणिलाल थे, मैंने क्या कहा, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास थे। तो इनके पुत्र जो मणिलाल थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू के साथ धरसना, महाराष्ट्र के धरसना नमक मिल में उस आंदोलन का नेतृत्व किए थे। कौन? गांधी के पुत्र मणिलाल ने। ठीक, चलिए इसको वहां बता देते हैं। उसके साथ साथ गांधी ने जो अपनी वकालत की पढ़ाई की वो ब्रिटेन के द इनर टेम्पल नामक कॉलेज में की थी, और फिर वहां से आने के बाद नासिक तथा राजकोट में अपनी वकालत की प्रैक्टिस करने लगे। तो इन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई ब्रिटेन के द इनर टेम्पल नामक कॉलेज में किया था। फिर भारत आने के बाद नासिक तथा राजकोट में अपनी वकालत की प्रैक्टिस करने लगे। और इसके बाद 1893 में एक गुजराती व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, और दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने गांधी अफ्रीका गए। वही अफ्रीका में क्या था कि एक बार ये प्रिटोरिया, उस प्रिटोरिया वहां पर है दक्षिण अफ्रीका में, और नटाल जो थी उस समय राजधानी थी। तो प्रिटोरिया से नटाल प्रांत की तरफ ये जब जा रहे थे, या डरबन भी लोग कहते हैं, तो इनको पीटर्स मोहिसबर्ग नामक स्टेशन पर उतार दिया गया, क्योंकि ये ट्रेन के डिब्बे के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सफर कर रहे थे, और वहां पर अंग्रेजों का शासन था और गोरे और कालों का मतभेद था, जिसकी वजह से इनको ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। और इसी से ये नाराज होकर इन्होंने 1894 में अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया। ये नहीं, दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय में पंजीकृत होने वाले, मतलब रजिस्ट्रेशन, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय में पंजीकृत होने वाले जो पहले भारतीय थे वकील के रूप में, वो गांधी ही थे। और हमने क्या कहा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। देखिए सुपर टेट वाले दोस्तों, इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, यहां से एक प्रश्न पक्का है। हमने क्या कहा कि जब ये 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने अफ्रीका गए, तो इनको पीटर मोहिसबर्ग, क्या, पीटर्स मोहिसबर्ग नामक स्टेशन पर ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। और यही रीजन था कि इन्होंने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था। किसका? नटाल इंडियन कांग्रेस का। और यही नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा कि अब दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय में पंजीकृत होने वाले वकील के रूप में ये पहले भारतीय थे, और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो अपनी पत्रिका प्रकाशित की थी वो थी इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पत्रिका इन्होंने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की, और यह पत्रिका तेलुगु भाषा में थी, बाद में इसकी और भी भाषाएं हो गई। और यही नहीं, गांधी ने जो अपना सबसे पहला सत्याग्रह भी किया था वो भी अफ्रीका में किया था। आपसे कभी भी पूछा गया, ये तीनों सवाल बहुत जरूरी हैं दोस्त, आपसे कभी पूछा गया कि नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 1904 में। फिर आपसे पूछा गया कि गांधी ने अफ्रीका में किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो 1904 में इंडियन ओपिनियन का। और अगर आपसे यह पूछा गया कि गांधी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह कहां किया, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी पूर्ण रूप से भारत लौटे, जिसे प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया। कब? 9 जनवरी 1915 को गांधी
पूर्ण रूप से भारत लौटे, जिसे हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह भी सवाल अक्सर पूछा जाता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो गांधी के लौटने पर 9 जनवरी 1915 को। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। देखिए, गांधी जब भारत आए तो उस समय भारत के हालात सही नहीं थे, क्योंकि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था और जो भारत वाले थे वो प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सेदार नहीं बनना चाहते थे। लेकिन गांधी के कहने पर भारत वाले प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सेदार बने थे। यही कारण है कि इस समय हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जो भारत का वायसराय था, उसने गांधी को कैसरे हिंद जुलू युद्धों की उपाधि से नवाजा था। तो याद रखिएगा कि गांधी को कैसरे हिंद जुलू युद्ध, मतलब आर्मी में भर्ती करने वाला सर्जेंट, क्योंकि भाई गांधी के कहने पर ही तो भारत वाले प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सेदार बने, तो चूंकि इनके कहने पर भारत वाले प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सेदार बने थे, इसीलिए गांधी को जुलू युद्ध या आर्मी में भर्ती करने वाले सर्जेंट की उपाधि से नवाजा गया। और ये जो उपाधियां, ये दोनों उपाधियां गांधी को किसने दिया था? हार्डिंग द्वितीय ने। तो हमेशा याद रखिएगा कि गांधी को ये दोनों उपाधियां देने वाला कौन था? हार्डिंग द्वितीय। अब ये भारत की राजनीति से प्रभावित थे, भारत की राजनीति में इन्होंने एंट्री कर लिया, लेकिन राजनीति में एंट्री करने के लिए इनका कोई राजनीतिक गुरु भी होना चाहिए। यही कारण है कि गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। यह भी बहुत प्रचलित सवाल है, हो सकता है आपको पूछ लिया जाए कि गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, हम बताते हैं आपको। देखिए, हम एक संक्षिप्त रूप में केवल गांधी ने जिन जिन प्रमुख घटनाओं में हिस्सा लिया था केवल उसे ही संक्षिप्त रूप में लेके चल रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एक नजर में गांधी। तो भारत में 1916 में क्या था, लखनऊ में अधिवेशन चल रहा था, और 1916 में जब लखनऊ में अधिवेशन हुआ था तो उसी समय नरम दल और गरम दल का आपस में विलय भी हो गया था, एक कांग्रेस अधिवेशन मैंने आपको बताया था। तो बिहार के मोतिहारी जिले में एक स्थान है चंपारण। चंपारण में तिनकटिया पद्धति के द्वारा नील की खेती कराई जा रही थी, और जब वहां के किसानों की मांग थी कि जो खेती की लागत है वो उनको मिले। क्यों? रीजन ये था कि जर्मनी में कृत्रिम नील की खोज हो गई थी। कृत्रिम कहने का मतलब आर्टिफिशियल। कृत्रिम नील की खोज हो जाने के कारण यहां के किसानों को उनकी लागत भी नहीं मिल पा रही थी। तो वहां के किसान कह रहे थे कि या तो हमको नील की खेती करने से रोक दिया जाए, या जितनी हमारी लागत है वो हमें मिल जाए। लेकिन जब अंग्रेजों ने किसानों की बातों को नहीं माना तो वहां के चंपारण के किसानों ने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान चंपारण के किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, और राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई गांधी से और उन्होंने गांधी को चंपारण आने के लिए कहा। गांधी चंपारण गए, गांधी ने वहां पर सत्याग्रह किया और गांधी को सफलता मिली। भारत में गांधी का सबसे पहले जो किया गया सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था, याद रखिएगा। अगर पूछा गया कि गांधी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह कहां किया तो आंसर अफ्रीका है, लेकिन गांधी ने भारत में अपना सबसे पहला सत्याग्रह कहां किया तो आंसर चंपारण है। तो गांधी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा हुआ? चंपारण सत्याग्रह। कब? 1917 को। हमने क्या कहा कि यहां पर तिनकठिया पद्धति के द्वारा
नील की खेती कराई जा रही थी। मतलब आपके पास जितनी भूमि थी उसके 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना। और जर्मनी में नील की खोज हो जाने के कारण यहां के किसानों को उनकी लागत नहीं मिल रही थी, जिसके कारण राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण आने के लिए कहा। किसने कहा? राजकुमार शुक्ल ने। और गांधी चंपारण गए और गांधी ने यहां पर सत्याग्रह किया और गांधी को सफलता प्राप्त हुई। तो भारत में गांधी का किया गया जो सबसे पहला सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था। मुद्दा यह उठता है कि सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है। सत्याग्रह का अर्थ होता है कि सत्य के लिए आवाहन करना। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लेकिन शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुलिस आप पर लाठीचार्ज नहीं करेगी। लेकिन वहीं पर अगर आपका धरना प्रदर्शन उग्र हो रहा है, आप उसमें कुछ हिंसात्मक घटनाएं कर रहे हैं, तो पुलिस तुरंत आप पर लाठीचार्ज करने लगती है। तो सत्याग्रह मतलब हुआ सत्य के लिए आवाहन करना। गांधी ने यहां पर सत्याग्रह किया, गांधी को सफलता मिली। और इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि से नवाजा था। तो कभी पूछा गया कि गांधी को महात्मा की उपाधि कब मिली, तो आप कहेंगे चंपारण सत्याग्रह के दौरान। यह आपसे पूछा गया कि गांधी को महात्मा की उपाधि दी किसने थी, तो आपका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और जब भी विश्व युद्ध समाप्त होता है तो क्या होता है? महंगाई बढ़ जाती है। और महंगाई बढ़ जाती है तो मतलब क्या होता है? लोगों को जो पैसे होते हैं वो कमी आने लगती है। अहमदाबाद में प्लेग फैला था। प्लेग क्या है? चूहे के द्वारा फैलने वाली बीमारी को प्लेग कहते हैं। तो जब अहमदाबाद में प्लेग फैला था तो वहां के मजदूरों को बोनस दिया जा रहा था। लेकिन क्या हुआ कि प्लेग की समाप्ति के बाद बोनस को समाप्त कर दिया गया। 33% बोनस दिया जा रहा था। यही रीजन है कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो वहां के मजदूरों ने कहा कि बोनस को कुछ और दिन चलने दिया जाए, क्योंकि भाई महंगाई बढ़ गई थी। लेकिन वहां की मजदूरों की बातों को अंग्रेजों ने नहीं सुना, जिसके बाद क्या हुआ कि वहां के मजदूरों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दिया। तो अहमदाबाद मिल मजदूर के मालिक थे अंबालाल साराभाई, और अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन ने गांधी को पत्र लिखा और गांधी को अहमदाबाद आने के लिए कहा। और गांधी ने अपने जीवन का जो सर्वप्रथम भूख हड़ताल किया था वो कहां पर किया था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान। यहां पर भी गांधी को सफलता मिली, लेकिन 33% की बजाय 23% बोनस देने की बात कही गई। तो भारत में गांधी का जो दूसरा आंदोलन या सत्याग्रह था वो कौन सा था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। यहां पर हमने क्या कहा कि यहां पर बोनस को लेकर यह आंदोलन हुआ, और मिल मजदूर मालिक जो थे वो कौन थे? अंबालाल साराभाई। और अंबालाल साराभाई की बहन थी अनुसुईया बेन, जिन्होंने गांधी को पत्र लिखा। और अनुसुईया बेन के कहने पर गांधी अहमदाबाद गए और गांधी ने यहीं पर अपना सर्वप्रथम क्या किया? भूख हड़ताल किया, और गांधी को सफलता मिली। तो भारत में गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, गांधी के जीवन का सबसे पहला सत्याग्रह कहां हुआ? अफ्रीका में। लेकिन गांधी ने अपने जीवन का सर्वप्रथम भूख हड़ताल कहां किया? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान। देखिए दोस्तों, संस्था के मेंबर्स, यहां के कर्मचारी सब बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, और वो चाहते हैं कि सारी चीजें जो हैं सफल हो। जब हम सफल होंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, और सफल होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और हमारे साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मुद्दा यह नहीं होता है कि हम पढ़ कहां रहे हैं, मुद्दा यह होता है कि हमें चीजें समझ कहां आ रही हैं। कहीं पर इंसान कहीं पर भी पढ़े, कुछ भी पढ़े, चीजें बदलती नहीं है।
पर यह होता है कि कहां के लोग किसी भी बात को आपके दिमाग में अच्छे से घुसा सकते हैं, आपके दिमाग में अच्छे से एंट्री करा सकते हैं। तो एंट्री की बात आई, तो इसीलिए अगर आप हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, ठीक, सुपर टेट के बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन नहीं, आप वाकई में अध्यापक बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, फेसबुक व्हाट्सएप आप लोग दिन रात करते होंगे, ठीक है, एंट्री सुपर टेट लिखकर केवल इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है जो कि है 9125423936। नॉर्मल सा मैसेज आएगा हमारे यहाँ संस्था के द्वारा, जो मैनेजमेंट के द्वारा आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा, आपको हमारे बैच से जोड़ लिया जाएगा, और बैच से नहीं, सफलता के इस अभियान से आपको जोड़ लिया जाएगा और आपको सफल बनाया जाएगा। तो हमने क्या कहा कि मेहनत करना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि हम लोग YouTube और Facebook में देखते हैं कि कई सारे अध्यापक हैं सो जाते हैं, नहीं, ऐसे नहीं बनना है। हम पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेगा इंडिया, या हम खेलें तो बढ़ेगा इंडिया। तो इंडिया को आगे ले जाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा हम पीछे ही रह जाएंगे। पीछे नहीं रहना है, पीछे रहने वाले लोग भीड़ में खो जाते हैं, आगे रहने वाले लोगों को लोग याद करते हैं, तो हमें आगे रहना है। तो खैर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। इसी के बगल में, इसी के साथ 1918 में ही गुजरात में एक स्थान था खेड़ा। लगातार गांधी के जो सत्याग्रह में हिस्सा लिया उसकी बात कर रहे हैं। तो वहां पर जो हुआ वो था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह क्या हुआ कि ऐसा अंग्रेजों ने नियम लाया था कि अगर पिछले वर्ष के मुकाबले, ध्यान सुनिएगा, अगर पिछले वर्ष के मुकाबले वर्तमान वर्ष का उत्पादन 1/4 से कम है तो किसानों से लगान नहीं लिया जाएगा। मान लीजिए कि पिछली वर्ष 100 का उत्पादन हुआ, 100 रुपए मान लीजिए, और इस साल 20 रुपए का उत्पादन हुआ तो लगान नहीं लिया जाएगा, या 24 का उत्पादन हुआ तो लगान नहीं लिया जाएगा। लेकिन खेड़ा में क्या था कि पिछले वर्ष के मुकाबले वर्तमान वर्ष का उत्पादन 1/4 से कम था, उसके बाद भी यहां के किसानों से लगान लिया जा रहा था। और यही रीजन है कि खेड़ा के दो किसान मोहनलाल पांड्या और शंकरलाल पारिक के कहने पर गांधी खेड़ा गए और गांधी ने यहां पर सत्याग्रह किया और इन्हें सफलता प्राप्त हुई। तो इनका जो अगला था घटना इनके जीवन का, वो था खेड़ा सत्याग्रह। कब हुआ था? 1918 में। हमने अभी क्या कहा कि खेड़ा कहां पर है? गुजरात में। और यहां पर पिछले वर्ष के मुकाबले वर्तमान वर्ष का उत्पादन 1/4 से कम था। तो यहां के दो किसान थे मोहनलाल पांड्या और शंकरलाल पारिक। इनके कहने पर गांधी खेड़ा गए और गांधी ने यहां पर सत्याग्रह किया और गांधी को सफलता मिली। भारत आने के बाद चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये तीन प्रमुख घटनाएं हैं जिनसे गांधी जुड़े थे और गांधी सफल होते चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन किया। देखिए, हम अभी केवल संक्षिप्त रूप में आपको बता रहे हैं जितना आपको जरूरी है। लेकिन भारत में मार्च में रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट, जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाली कानून की संज्ञा दी गई। और यही नहीं, रॉलेट एक्ट को ही काला कानून भी कहा गया। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह का गठन किया। और यह सवाल युवा विकास कल्याण अधिकारी में घुमाकर आया था कि गांधी ने सत्याग्रह सभा का गठन कब किया, तो आंसर होगा 6 अप्रैल 1919 को। लेकिन वो चाहते, गांधी जलियांवाला बाग घटना में हिस्सा ले सकते थे, लेकिन उसके पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसीलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में केवल इनका इतना योगदान है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह का गठन किया था। कब? 6 अप्रैल 1919 को
गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह का गठन किया था। ठीक, इसे रॉलेट सत्याग्रह भी कह सकते हैं, या आपको अगर सवाल घुमा देगा इसे सत्याग्रह सभा भी आप कह सकते हैं। फिर इसके बाद गांधी को पकड़ लिया गया, उनको आने नहीं दिया गया, इसके बाद वो जलियांवाला बाग हत्याकांड में हिस्सा नहीं ले पाए। फिर क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इराक को तुर्की से अलग कर दिया गया। भारत के मुस्लिमों ने अंग्रेजों की सहायता इसीलिए की थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसी धार्मिक नीति में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई और अंग्रेजों ने क्या किया, इस्लाम धर्म में एक होता था खलीफा जो कि सर्वश्रेष्ठ होता था, सारे डिसीजन लेने का अधिकार था, तो उन्होंने क्या किया कि इराक को तुर्की से अलग करके मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया और खलीफा के अस्तित्व को समाप्त कर दिया, जिसके विरोध में भारत में अली ब्रदर्स ने खिलाफत पार्टी का गठन किया 1919 में। कब? 1919, ठीक है, नवंबर 1919 में भारत में खिलाफत पार्टी का गठन किया। किसने किया? मोहम्मद अली और शौकत अली ने। और इन दोनों को हम किस नाम से जानते हैं? अली ब्रदर्स के नाम से। फिर इसके बाद गांधी चालू करेंगे असहयोग आंदोलन। आज की क्लास में बस इतना ही, यहां तक नोट्स बनाइएगा, इसके बाद का जो वीडियो जाएगा वो गांधी एक नजर में पार्ट टू जाएगा, जिसमें हम आपको असहयोग आंदोलन बताएंगे, जिसमें हम आपको बरदौली सत्याग्रह बताएंगे, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन बताएंगे, गांधी इरविन समझौता बताएंगे, गांधी अंबेडकर समझौता बताएंगे, उसके साथ साथ भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों इसको नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए और सेहत का ध्यान रखिएगा। देखिए मैं बार बार कहता हूं, असफलता की कई कहानियां होती हैं, सफलता की एक ही कहानी होती है। सफलता, आप सफल कैसे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अब सफल होने का समय आ गया है। हम साथ हैं, हम आपके विकास में, आपकी मेहनत में, आपके सिलेक्शन में, बस हमें आपका साथ चाहिए। बाकी मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।